कारदा पुलिस स्टेशन के प्रभारी दीपक वानखेड़े ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहा पुल पर छापा मारा और उससे बनी शराब जिसकी कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है, पुलिस ने पूरी शराब जब्त कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव और अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, स्थानीय अपराध शाखा जयंत चौहान के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यवाही में कारदा पुलिस के थाना प्रभारी और उनकी टीम ने मकर थोकड़ा गाँव की सीमा के भीतर वैनगंगा नदी के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में 3 से 4 स्थानों का दौरा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से दूर लेकिन लाखों रुपए की शराब बनाने का काम दिनों से चल रहा था, लेकिन पुलिस ने पहुंचने से पहले ही शराब बनाने वाले भाग गए। इस बार थाने की टीम ने चारों तरफ से शराब बना रहे लोगों को घेर लिया और कार्रवाई की। जिले में अवैध कारोबार चलाने वाले लोग अब दहशत में है। खबर मिली की मकर धोकड़ा या गावाच्या समोर नदी पलीकडे संगम बेट आहे। त्या संगम बेटाला काही अवैध मोहा फुला हातबट्टीचा व्यवसाय सुरू आहे। त्यावरून आम्ही स्थानिक मच्छीमार लोक यांच्या बोटी घेऊन, लाईफ जॅकेट घेऊन माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब, माननीय ॲडिशनल SP साहेब व LCBPI जयवंत चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनात आमचे स्थानिक पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी बीटम मलदार यांना घेऊन मकर धोकडा पलीकडे गेलो। तिथे आम्ही अवैध मोहा पुलाचा जो दारूचा भट्टीचा व्यवसाय करत होते त्यांच्यावर रेड केली। आम्हाला 4 मोठमोठ्या भट्ट्या तिथे सापडल्या। चारही भट्ट्यांमध्ये आम्हाला पैकी एक रमण शालिक भुरे, दुसरा आकाश मुनेश्वर मेश्रा, तिसरा विनोद उदय भानराव आणि पंकज चुडामन वासनी असे हे 4 व्यक्तींच्या भट्ट्या आम्ही फोडल्या। त्यापैकी रमण शालिक भुरे हे जे आहेत यांना आम्हाला पकडण्यात यश आलं व इतर 3 जे आहेत हे जागेवरून आम्हाला पाहता पसारत आले। या रेडमध्ये एकूण मोहफुल सडवा, त्यानंतर गुळ, त्यानंतर इतर सडवा साहित्य असे 2,06,500 रुपयाचा माल आम्ही पंचासमक्ष जप्त केला व जप्त करून त्याला जागेवरच नाश केला। त्यापैकी 4 लोकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत व पुढील कारवाई सुरू आहे।